एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लॉसी टिप्स। माय नेम इज नेहा और आज मैंने रिक्रिएट किया है शिल्पा शेट्टी लुक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले मैं यहाँ ले रही हूँ सुगंधा व्हाइट लोटस मॉइस्चराइजर एंड ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, ये नॉन ऑयली है, वाटर बेस्ड प्रोडक्ट है। नाउ मैं ले रही हूँ लाइफ स्किन केयर का विटामिन सी सीरम और ये सीरम बहुत ही अच्छा है, आपके एक्ने को, स्कार को हटाता है, रिमूव करता है। नाउ मैं ले रही हूँ फाउंडेशन में मेबलिन फिटमी से सन बेज फाउंडेशन, मेरा शेड है सन बेज और ये बहुत ही ज़्यादा हाई कवरेज फाउंडेशन है, मुझे ये बहुत पसंद है। तो कुछ इस तरीके से मैं एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अपने पूरे फेस एंड नेक एरिया को कवर कर लूँगी। नाउ मैं ले रही हूँ यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड आईब्रो किट एंड ये आईब्रो किट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये थोड़ा पाउडरी फॉर्म का है आईब्रो किट एंड इसमें तीन शेड्स आते हैं। इसका मैंने फुल रिव्यू बनाया हुआ है, आपको आई बटन पे मैं यहाँ पे वो वाला वीडियो का लिंक दे रही हूँ, आप उसको ज़रूर चेकआउट करें अगर आपको आईब्रो ट्यूटोरियल डिटेल में चाहिए तो। नाउ कुछ इस तरीके से मैं एक आईब्रो पेंसिल की हेल्प, आईब्रो ब्रश की हेल्प से अपने आईब्रोज को शेप में लाऊंगी एंड उसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पे मेबलिन फिट मी का कंसीलर और मेरा शेड है सैंड और ये कंसीलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये फुल कवरेज कंसीलर है एंड बहुत ही अफोर्डेबल रेट में आता है। नाउ मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो यहाँ कुछ इस तरीके से मैंने आई को अपने कंसील किया है पहले। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ आई शेडो पैलेट बाय द ब्रांड वेट एंड वाइल्ड और ये मेरा फेवरेट पैलेट है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट में आता है और इसका नाम है, इसका शेड है रोज इन द एयर। तो ये आई शेडो कुछ इस तरीके से, इसमें से एक लाइट शेड मैं पहले अपने क्रीज एरिया पे अच्छे से प्लेस करूँगी। नाउ आई एम टेकिंग द डीप ब्राउन शेड और उसको इस तरीके से मैं अपने कॉर्नर ऑफ द आईज में अच्छे से प्लेस करूंगी एंड एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैं अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड करूंगी। नाउ आपको ध्यान रखना है कि आपको अगर इस लुक को तैयार करना है तो बहुत ही कॉर्नर ऑफ द आईज में ही सिर्फ आपको ब्लेंड करना है। नाउ आई एम टेकिंग अ ब्रश एंड आई एम स्प्रेइंग इट विद द मिस्ट एंड उसके बाद मैं यहाँ पे एक गोल्डन शिमरी शेड लेकर अच्छे से इसको आईलिड पे प्लेस करूँगी ताकि मेरा आईलिड अच्छे से कट क्रीज जो आईलिड पे बन रहा है वो काफ़ी अच्छा सा उभर के दिखे। कुछ इस तरीके से मैंने अपने कट क्रीज को शेप दिया है एंड इसके बाद मैं ये ब्लैक कलर का निका पैलेट से शेड ले रही हूँ और ये मैं कॉर्नर ऑफ द आईज में प्लेस करूँगी ताकि ये आई शेडो काफ़ी उभर के दिखे। और उसके बाद मैं ले रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का ये पेन आईलाइनर, ये आईलाइनर बहुत ही ज़्यादा डीप मैट ब्लैक कलर है, अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर इसको ले सकते हैं। मैंने सारे प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं तो आप देख सकते हैं। नाउ मैं सेम ब्राउन शेड को लेकर अपने लोअर आईलिड पे अच्छे से प्लेस करूंगी ताकि वो अच्छा सा एक लुक दिखे। उसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पे मस्कारा, मस्कारा को मैं कुछ इस तरीके से लगाऊंगी। ये मस्कारा है वैट इन इंडिया की तरफ से और ये मस्कारा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से कोम करता है आईलैशेस को। यहाँ मैंने कोई भी आईलैशेस यूज नहीं किए हैं क्योंकि मुझे शिल्पा के आईज बहुत ही नेचुरल दिखे थे। उसके बाद मैं ले रही हूँ सेम आईब्रो किट से ब्लैक कलर और मैं कुछ इस तरीके से लोअर लिड पे इसको प्लेस करूंगी ताकि ये बहुत ज्यादा डिफाइंड दिखे। इसके बाद मैं ले रही हूँ जेराड कॉस्मेटिक्स से ये स्टारलेट हाइलाइटर पैलेट और ये बहुत ही ज्यादा प्रिटी हाइलाइटर पैलेट है क्योंकि इसके शेड्स बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड है। अब मैं सेम मेबलिन फिट मी कंसीलर को लेकर अपने अंडर आईज पे, देन नोज पे, फोरहेड पे एंड देन हर जगह पे जहाँ भी हाइलाइटर की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं लगा लूँगी, जहाँ भी आपके थोड़े डार्कनेस आ गए हैं। उसके बाद मैं इसको डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी और उसके बाद कुछ इस तरीके से आपको ब्लेंड करना है। अब मुझे करना है कॉन्टोरिंग और उसके लिए मैं ले रही हूँ ये कॉन्टोरिंग पैलेट बाय द ब्रांड
बैटर इन इंडिया एंड दिस बैटर इन इंडिया का कॉन्टोरिंग पैलेट जो है वो उसका शेड है सनसेट। कुछ इस तरीके से मुझे कॉन्टोरिंग करने हैं साइड ऑफ चीक्स पे एंड देन फोरहेड पे और फिर लोअर चीक्स पे, ताकि मेरे चीक्स काफ़ी चिजल्ड अप दिखे और काफ़ी स्लिम दिखे। और उसके बाद मुझे कुछ इस तरीके से ब्लेंड करना है एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कॉन्टोरिंग पैलेट, क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड लगता है। नाउ मैं एक पतले से ब्रश की हेल्प से अपने साइड ऑफ द नोज को भी कॉन्टोर करूंगी कुछ इस तरीके से, और उसके बाद मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अच्छे से उसको ब्लेंड कर लूंगी, ताकि मेरे नोज का भी पतले दिखे, स्लिम दिखे। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे मेबलिन फिट मी का शेड नंबर 120 और इसका कॉम्पैक्ट ले रही हूँ, और इससे मैं कुछ इस तरीके से अपने कंसीलर के ऊपर अच्छे तरीके से इसको बफिंग कर रही हूँ। अब आता है मेरा फेवरेट पार्ट, ब्लश। ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ बैटर इंडिया का ये शेड मोका ब्लश पैलेट, और ये मोका पैलेट बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है गाइज। इसके बाद मैं ले रही हूँ जेरार्ड कॉस्मेटिक्स का सेम हाइलाइटर स्टैलेट पैलेट, और इससे मैं अपने चीक बोन्स को, क्यूपिड्स बो को एंड देन फोरहेड को अच्छे से हाइलाइट करूँगी। और उसके बाद कुछ इस तरीके से आपको हाइलाइट करना है। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे जेरार्ड कॉस्मेटिक्स का स्ले ऑल डे मेकअप स्प्रे, और इसका शेड है, इसका रेंज है लैवेंडर। ये काफ़ी बहुत अच्छा सा महकता है, इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू है। और उसके बाद मैं ले रही हूँ सेलेब्यू का एक कलर चेंजिंग लिप बाम, और ये लिप बाम बहुत ही ज़्यादा नरिशिंग है, बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है। तो अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे जेरार्ड कॉस्मेटिक्स का हाइड्रा मैट लिप कलर, लिक्विड लिप कलर, एंड ये है शेड स्ट्रॉबेरी फील्स। ये काफ़ी अच्छा लॉन्ग लास्टिंग सा हाइड्रा मैट लिप कलर है। लिप कलर को सेम टच देने के लिए मैंने यहाँ यूज़ किया है वैटन इंडिया का महोगनी शेड में लिप कलर, लिक्विड लिप कलर, और ये काफ़ी बढ़िया सा लिप कलर है। और इसके साथ होता है मेरा ये लुक कंप्लीट। तो आई होप आपको ये पसंद आया हो ये लुक। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, सारे हैंडल्स मैंने स्क्रीन पे दे दिए हैं, तो प्लीज़ फॉलो मी देयर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।